नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटिया। दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। बुधवार को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 पर था, वो महज 24 घंटे के भीतर गुरुवार यानी आज 330 पर रहा, जो एक गंभीर श्रेणी में माना जाता है। इधर दिल्ली के लोगों के लिए अभी सांसों को जो सांसें लेने में दिक्कतें आ रही थी, वो एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। उधर पर्यावरण मंत्री दिल्ली के जो गोपाल राय हैं, उन्होंने एक दिन पहले तमाम स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही थी कि जो दिल्ली का वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो एक बार घट गया है, इसके बाद हम ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन 24 घंटे के भीतर एक बार स्थिति फिर दिल्ली की वायु प्रदूषण की बिगड़ती जा रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हवा की सुस्त रफ्तार बताई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। हवाओं की रफ्तार थमने से एक बार फिर दिल्ली में सांसों का संकट गहराने लगा है। एक दिन की राहत के बाद दिल्ली वासियों के लिए एक बार फिर सांस लेना मुश्किल सा हो गया है। गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इसमें बड़ा उछाल देखने को मिला। बुधवार को 280 से सीधा 330 पर AQI पहुंच गया। 22 दिन के बाद बुधवार को AQI 300 के आंकड़े के नीचे दर्ज किया गया था, जिससे लोगों के साथ सरकार को भी राहत की सांस मिली थी। लेकिन अचानक बड़े AQI ने फिर से एक टेंशन सरकार को दे दी है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने की कम घटनाओं के बाद भी दिल्ली NCR की हवाओं में खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में हवाओं का औसत स्तर खराब से हटकर बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। दरअसल इसकी बड़ी वजह हवा का सुस्त रफ्तार को भी बताया जा रहा है। मंगलवार को तेज हवाओं की रफ्तार से AQI में भारी गिरावट देखने को मिली थी। इसका असर बुधवार को भी रहा, लिहाजा दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने के साथ ही वर्क फ्रॉम होम भी खत्म करने से जैसे अहम फैसले लिए। लेकिन हवा की सुस्त चाल ने एक बार फिर सबकी चिंता बढ़ा दी है। उधर SAFAR का पूर्व अनुमान है कि आगामी 2 दिनों तक स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। सफर के मुताबिक हवा का स्तर बेहद खराब के उच्चतम श्रेणी में पहुंच गया है। बता दें कि 330 अंकों के साथ दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्तमान में बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली की हवा में इस समय 3 गुना से ज़्यादा प्रदूषण है। वहीं CPCB के मुताबिक बुधवार को शाम 5 बजे हवा में प्रदूषक कण PM10 का स्तर 340 और PM2.5 का स्तर 186 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।